Hello, welcome to Step by Step Study. So today we are going to discuss the topic that is software, types of software. हमने काफ़ी सारी जो हैं वो वीडियोस में डिस्कस किया था, generations of computers, आपकी कीज़ के बारे में हमने डिस्कस किया था, टॉगल कीज़, BIOS, तो ये सब आप आई होप आपने देखा होगा. तो अब हम स्टार्ट करते हैं सॉफ्टवेयर्स के साथ. तो सबसे पहला जो है हमारा, हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर के टाइप्स. तो लेट्स प्रोसीड. सो बेसिक जो आपकी डेफिनेशन होती है सॉफ्टवेयर की, वो क्या होती है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा जो क्या करते हैं, हार्डवेयर को आपके फंक्शनल करते हैं. ठीक है, कंप्यूटर के हार्डवेयर को फंक्शनल करते हैं. सो बेसिक डेफिनेशन क्या है? अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल द कंप्यूटर अबाउट द टास्क टू बी परफॉर्म एंड हाउ दीज टास्क आर टू बी परफॉर्म इज नोन एज सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपके कंप्यूटर को बताता है कि क्या टास्क परफॉर्म करना है, कैसे टास्क परफॉर्म करना है और कब टास्क परफॉर्म करना है. तो उसी को हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर. अब आप एक चीज़ बताइए, आपके पास एक कंप्यूटर है, ठीक है, आपने एक कंप्यूटर डेवलप कर दिया, आपने उसमें सारी चीज़ लगा दी, मॉनिटर लगा दिया, आपने CPU, UPS, लेकिन कोई ऐसा उसमें चीज़ इंसर्ट करनी पड़ेगी ना जिससे वो फंक्शनल हो जाए, जिससे आप आपकी स्क्रीन पे जो है सामने स्क्रीन देख सके, उसमें मैटर देख सके, कंटेंट देख सके. तो ऐसी क्या चीज़ इंसर्ट करते हो आप अपने कंप्यूटर में जिससे वो फंक्शनल हो जाता है और आपके हार्डवेयर जो हैं वो फंक्शनल हो जाते हैं बेसिकली? तो वो होता है आपका सॉफ्टवेयर. ठीक है, अब बात करते हैं प्रोग्राम के बारे में. व्हाट इज़ अ प्रोग्राम? जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस विच कंट्रोल द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस इज नोन एज प्रोग्राम. जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन को वो कंट्रोल करती है उसे प्रोग्राम बोलते हैं. तो क्या होता है सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस? मतलब कि पहले जैसे आप क्या कहते हैं, आपने ऑन किया, ऑन करने के बाद आपका क्या वो ओपन होगा, अगर आपने फाइल क्लिक करी तो पहले कौन सा काम होगा, दूसरा कौन सा काम होगा. तो जो ये चीज़ें को कंट्रोल करते हैं उसे बोलते हैं आपका प्रोग्राम. ठीक है, बस बेसिक डेफिनेशन आपको याद करनी है, इसमें से ज़्यादा नहीं पूछेंगे तो ज़्यादा आपको पढ़ना भी नहीं. सो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, कितने टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे पास? ये मैंने जो वीडियो है वो 11th क्लास की बुक से बनाई है, तो उसमें जैसा लिखा था एज इट इज़ मैंने आप लोगों को बता दिया. ठीक है, पहला है आपका प्रोप्रिएटरी एंड फ्लॉस सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और थर्ड है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर. तो उस इन चीज़ों को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी में क्या फ़र्क है. हमने सॉफ्टवेयर पढ़ लिया, सॉफ्ट कॉपी क्या है? अब इसमें, अब जो आपको सामने स्क्रीन दिख रही है, अब आप इसको क्या कर सकते हो, अब हाथ में तो पकड़ नहीं सकते ना इस पेज को, जो पेज है आपका सॉफ्टवेयर एंड इट्स इज़ ऑफ थ्री टाइप्स करके, तो इसको हम सिर्फ देख सकते हैं. ठीक है, तो ये है हमारा क्या, कौन सी कॉपी? सॉफ्ट कॉपी. अगर इसी पेज का मैंने प्रिंट ले लिया और मैं उसको हाथ में पकड़ के फील कर सकती हूँ, तो जो प्रिंटर से बाहर आएगा पेज उसे हम बोलते हैं हार्ड कॉपी. ओके, सॉफ्ट कॉपी की और क्या बोल सकते हैं? जो आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में पेज है या कोई PDF है वो आपकी सॉफ्ट कॉपी होती है. चलिए अब आगे चलते हैं. जो भी सॉफ्टवेयर है आपका, हर सॉफ्टवेयर एक किसी ना किसी कंप्यूटेशनल पर्पस के लिए लिखा गया होता है. सॉफ्टवेयर होता क्या है आपका? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, राइट. ये होता क्या है, आप जो भी सॉफ्टवेयर डालते हो वो कोडिंग के थ्रू डालते हो, है ना, तो उसमें आप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देते हो, डाटा देते हो. तो हर जो सॉफ्टवेयर है वो इसीलिए लिखा होता है ताकि कोई ना कोई वो कंप्यूटर का पर्पस सॉल्व कर सके. तो चलिए आगे चलते हैं. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा सॉफ्टवेयर की हमें नीड क्यों पड़ी. व्हाट इज़ द नीड ऑफ सॉफ्टवेयर? वो इसलिए नीड पड़ी हमें ताकि हमारा जो कंप्यूटर का हार्डवेयर है हम उसे ऑपरेशनल करा सकें. दूसरा क्या पर्पस है सॉफ्टवेयर का, कि सॉफ्टवेयर को पता है कि डिफरेंट हार्डवेयर सिस्टम को कंप्यूटर को कैसे वर्क कराना है और आपस में कैसे कम्युनिकेट कराना है.
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कीबोर्ड पे लिख रहे हैं तो वो चीज़ आपकी स्क्रीन पे कैसे आ रही है, मॉनिटर पे कैसे आ रही है, तो वो चीज़ सॉफ्टवेयर आपका क्या करवाता है, इंटरेक्शन कराता है दो हार्डवेयर्स के बीच में। अब हमें पता है हम जो बोल रहे हैं वो डायरेक्ट हम कंप्यूटर पे कुछ काम करा नहीं सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बोलती हूँ कि ये पेज को प्रिंट कर दो, क्या आप प्रिंट करा पाओगे ऐसे बोल के? नहीं ना। तो अगर वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस है वो रिकॉग्नाइज करके वहाँ पर ऑर्डर दे दे तो अलग बात है, वरना आप ऐसे काम नहीं करा पाओगे। तो कोई ना कोई आपको मीडियम चाहिए ना जो आपके बीच में और आपके कंप्यूटर के बीच में इंटरेक्शन प्रोवाइड कराए, तो वही मीडियम होता है आपका सॉफ्टवेयर। ये एक इंटरफेस की तरह एक्ट करता है ह्यूमन और हार्डवेयर के बीच में। तो हमने तीन टाइप्स के सॉफ्टवेयर अब पढ़ लिए हैं। सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर है हम डिस्कस करते हैं क्या, प्रोप्राइटरी एंड फ्लॉस। फिर आपका कौन सा सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तीसरा है सिस्टम सॉफ्टवेयर। यहाँ सिर्फ हम क्या डिस्कस करेंगे, इनकी डेफिनेशंस आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड्स द बेसिक फंक्शनैलिटी टू ऑपरेट अ कंप्यूटर बाय इंटरैक्टिंग डायरेक्टली विद इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट हार्डवेयर। जो आपका ये सॉफ्टवेयर है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये क्या करता है, एक बेसिक फंक्शनैलिटी को प्रोवाइड करता है ताकि जो आपका कंप्यूटर है वो डायरेक्टली हार्डवेयर के साथ इंटरैक्ट कर सके। ठीक है, तो बेसिक जो सोल होती है आपके जो सॉफ्टवेयर की, जो आपके कंप्यूटर की सोल होती है, आपके लैपटॉप की, आपके मोबाइल की सोल होती है, वो होती है आपकी सिस्टम सॉफ्टवेयर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर में भी आगे ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, वो होती है आपकी बेसिक सोल। ऑल राइट, आगे चलते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कुछ ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स ऐसे डिज़ाइन किए जाते हैं जो यूज़र की, एंड यूज़र जो हम लोग हैं, हम लोगों के डिमांड को फुलफ़िल कर सके, कोई पर्टिकुलर डिमांड, जैसे कि MS ऑफिस, पावर पॉइंट, विंडोज़, मीडिया प्लेयर। तो ये क्या करता है कि MS ऑफिस जैसे है, उसमें पावर पॉइंट है आपका, तो पावर पॉइंट PPTs बनाने के लिए यूज़ होगा। हम एक विंडोज़ मीडिया प्लेयर देख रहे हैं तो वो गाने सुनने के लिए, मूवी देखने के लिए यूज़ होगा। तो एक पर्पस, स्पेशल पर्पस कोई सॉल्व कर रहा है, तो दैट इज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तीसरे टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर होते हैं प्रोप्राइटरी एंड फ्लॉस सॉफ्टवेयर। अब ये देखिए, हमने दो टाइप के सॉफ्टवेयर्स पढ़ लिए, तीसरा क्या है। अब कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो हमें फ्रीली इंटरनेट से मिल जाते हैं, ठीक है। कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो हमें फ्रीली तो मिल जाते हैं लेकिन क्या होता है, हम उनमें कुछ चेंजेस नहीं कर पाते। कुछ ऐसे होते हैं सॉफ्टवेयर जिनमें हमें पैसे देके ख़रीदना पड़ता है और हम उसमें चेंजेस नहीं कर पाते। कुछ ऐसे होते हैं जिसमें हम चेंजेस कर पाते हैं। तो यही इसमें लिखा है कि फ्रीली एक्सेसिबल सॉफ्टवेयर, ठीक है, दैट कैन बी फ्रीली यूज्ड, चेंज्ड, इम्प्रूव्ड, कॉपीड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये आगे हम इसके टाइप्स होते हैं वो पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपको ये जो टेबल है इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, तीन टाइप्स के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और प्रोप्राइटरी एंड फ्लॉस सॉफ्टवेयर। जैसे कि मैंने आपको बताया था क्लास 11th की बुक से लिया है, कई जगह पर जो आप नोट्स पढ़ोगे ना उसमें आपको सॉफ्टवेयर के तीन टाइप्स में दिखेगा, सिस्टम, एप्लीकेशन और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। पर मैं आपको बता दूं कि ये जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर अलग से उन्होंने एक कैटेगरी बना दी है, ये आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ही सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, वो एक टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो हम यहाँ पर उसको पढ़ेंगे, ये मत सोचना कि मैंने उस टॉपिक को कवर नहीं किया। ऑलराइट, तो ये देख लीजिए आप, सिस्टम सॉफ्टवेयर के चार पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, लैंग्वेज प्रोसेसर सॉफ्टवेयर, सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और डिवाइस ड्राइवर्स। देन वी हैव एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, देन वी हैव व्हाट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये जो आप, जस्ट अ मिनट स्टूडेंट्स, ऑल राइट। तो जो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये भी दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है आपका जर्नल पर्पस सॉफ्टवेयर एंड दूसरा होता है आपका कौन सा, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, ठीक है।
फिर प्रॉपर्टरी एंड फ्लॉस सॉफ्टवेयर में पहला है आपका ओएसएस एंड फ्लॉस, दूसरा है आपका प्रॉपर्टरी सॉफ्टवेयर, थर्ड इज़ योर फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर, फोर्थ इज़ योर फ्री सॉफ्टवेयर। जो इम्पॉर्टेंट थे वो मैंने डिस्कस कर दिए हैं। जो मैंने डिस्कस अगर यहाँ पर कुछ छूट जाएगा तो वो जब मैं एमसीक्यूज़ कराऊंगी तो उसमें कवर हो जाएंगे। सो चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहला हम पढ़ते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर अपना ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब हमें पता है कि हमें जब अगर हमें इंटरैक्ट कराना है कंप्यूटर से, कुछ हार्डवेयर को इंटरैक्ट कराना है, तो हमें कोई सॉफ्टवेयर डालना पड़ता है। उसमें जो बेसिक सॉफ्टवेयर होता है तो वो होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब क्या होता है सिस्टम, उसमें भी हमारा एक सब कैटेगरी है, दैट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। आपको पता है जब भी आप कोई कंप्यूटर यूज़ करते हो तो आप उसमें क्या डालते हो, विंडोज़ डालते हो, है ना, मैक डालते हो, एंड्रॉयड डालते हो, ये सब क्या है, ये होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर भी बोल देते हैं। ये मोस्ट बेसिक सिस्टम ऑफ सॉफ्टवेयर है जिसके बिना दूसरे सॉफ्टवेयर्स वर्क कर ही नहीं सकते। मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं डला हुआ ना तो आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं डाल सकते। अब जैसे कि मैंने अपने लैपटॉप में विंडोज़ डाली, ठीक है, विंडोज़ डालने के बाद बाकी सारा जो काम है वो उस विंडोज़ के ऊपर होगा। तो बेसिक क्या चीज़ हो गई, बेसिक हो गया आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, और उसके ऊपर बाकी सारे सॉफ्टवेयर्स जो हैं आपके डलते हैं, जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो आपके फ्लॉस है, ये सारे, ठीक है। दूसरा इसका काम क्या है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है। तीसरा क्या है, ये एक्सेस और सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है यूज़र्स को। एग्ज़ाम्पल्स क्या क्या हैं आपके, एग्ज़ाम्पल्स हैं आपके विंडोज़, लाइनक्स, मैकिंटोश, उबुंटू, फिडोरा, एंड्रॉयड और आईओएस, ठीक है। ये हैं आपके क्या बेसिक एग्जाम्पल्स। सो यहाँ पर मैंने एक फ़ोटो भी लगाई हुई है तो आप इसको देख सकते हैं। ये सारे क्या हैं आपके, ये हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ऑल राइट, सो द थर्ड वन इज, थर्ड है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट, दैट इज़ लैंग्वेज प्रोसेसर। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं हिंदी बोलती हूँ और सामने कोई स्टूडेंट ऐसा है जो जर्मन समझता है, तो कोई ऐसा हमारे पास ट्रांसलेटर होना चाहिए जो मेरी हिंदी को कन्वर्ट कर दे जर्मन में और उसकी जर्मन को कन्वर्ट कर दे हिंदी में। तो इसी तरीके से हमारे कंप्यूटर के साथ काम होता है। अब मैं कोई चीज़ बोल रही हूँ तो ये तो नहीं है ना कंप्यूटर उस लैंग्वेज को समझ रहा है, कंप्यूटर अपनी ही लैंग्वेज को समझता है, जिसको हम मशीन लैंग्वेज भी बोलते हैं। मशीन अपनी लैंग्वेज को समझेगी ना, तो कंप्यूटर अपनी मशीन लैंग्वेज को समझता है। तो ये जो लैंग्वेज प्रोसेसर हमारे कंप्यूटर में डले होते हैं, लैंग्वेज प्रोसेसर सॉफ्टवेयर, ये क्या काम करते हैं कि जो मैं लैंग्वेज बोल रही हूँ उसको कन्वर्ट कर देते हैं उस लैंग्वेज में जो कंप्यूटर समझता है, ठीक है। तो क्या डेफिनेशन है इसकी, ये स्पेशल टाइप ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होते हैं जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में या फिर मशीन कोड में ट्रांसलेट कर देते हैं। अब आप बोलोगे कि ये सोर्स कोड क्या है आपका, ऑल राइट, तो सोर्स कोड है हमारा क्या, देखिए जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो हम यूज़ करते हैं इंग्लिश की लैंग्वेज, ठीक है। जब भी कोई प्रोग्रामिंग होगी, अब हमें कुछ भी काम करना है तो हम प्रोग्रामिंग करेंगे ना उसके लिए, तो जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो जो बेसिक लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करते हैं क्योंकि ये हमें समझ में आती है। लेकिन कंप्यूटर जो है ना वो इस लैंग्वेज को नहीं समझता। अब सोर्स कोड क्या है, जिस लैंग्वेज में हम कोडिंग करते हैं ना उस लैंग्वेज को हम बोलते हैं सोर्स कोड, और ऑब्जेक्ट कोड वो है जो लैंग्वेज आपकी क्या मशीन समझ रही है, कंप्यूटर समझ रही है, तो उसको कहते हैं हम ऑब्जेक्ट कोड। ऑल राइट, तो ये तीन टाइप्स के हैं हमारे पास, कौन कौन से लैंग्वेज प्रोसेसर, हमारे पास थ्री टाइप्स के, असेंबलर, दूसरा इंटरप्रेटर, थर्ड वन इज़ कंपाइलर।
तो एक एक करके डिस्कस करते हैं असेंबलर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर को. ऑल राइट, तो बेसिकली क्या करेगा लैंग्वेज प्रोसेसर, आपके सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देगा, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा. हाई लेवल क्या है, जो लैंग्वेज में हम कोडिंग करते हैं, जैसे पाइथन में कर ली हमने, सी, सी प्लस प्लस, जावा में करी. और मशीन लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज क्या है, 0101 की फॉर्म में जो कंप्यूटर को समझ में आती है. ऑल राइट, तो आई होप समझ में आया होगा आपको. तो चलिए, असेंबलर है आपका. असेंबलर क्या करता है, जो आपका प्रोग्राम लिखा होता है असेंबली लैंग्वेज में, उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है. अब असेंबली लैंग्वेज क्या है आपकी, देखिए, जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में लैंग्वेज यूज़ होती थी ना, वो होती थी आपकी मशीन लेवल लैंग्वेज. तो यहाँ मैं लिख देती हूँ, फर्स्ट जनरेशन में आपकी यूज़ होती थी कौन सी, मशीन लेवल लैंग्वेज. मशीन लेवल लैंग्वेज को ही हम कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, लो लेवल. ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, लो लेवल लैंग्वेज. अब लो लेवल लैंग्वेज किस फॉर्म में जो है वो क्या अंडरस्टैंड करता था आपका कंप्यूटर, 0101 की फॉर्म में, ठीक है, बाइनरी डिजिट्स की फॉर्म में ये लैंग्वेज कंप्यूटर को समझ में आती थी. अब इस लैंग्वेज में कोडिंग करना हमारे लिए बहुत टफ हो जाता था. तो उसके बाद जो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स आए, उसमें हमने यूज़ करना शुरू करा कौन सी लैंग्वेज को, असेंबली लैंग्वेज को हमने यूज़ करना शुरू करा. असेंबली लैंग्वेज क्या है आपकी, मतलब हमने असेंबली लैंग्वेज यूज़ करनी शुरू करी, जैसे कि हमें रजिस्टर्स का फंक्शन उसमें लिखना है, तो रजिस्टर्स के लिए हमने क्या लिख दिया, ये वर्ड यूज़ करा, REG. ठीक है, ये हमने अपनी सहूलियत के हिसाब से यूज़ कर दिया REG. बट कंप्यूटर जो है वो कौन सी लैंग्वेज समझेगा, अपनी मशीन लैंग्वेज. तो ये जो हम यूज़ कर रहे थे ना सेकेंड लेवल जनरेशन कंप्यूटर्स में, वो थी आपकी कौन सी, हाँ, असेंबली लैंग्वेज. फिर थर्ड जनरेशन आई, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स में हमने जो है असेंबली लेवल को भी हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया. हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज होती है, जो इंग्लिश लैंग्वेज होती है बेसिकली. कभी भी आपने पाइथन में कोडिंग करी होगी या सी, सी प्लस प्लस में, तो हम, आप देखना, हम उसमें इंग्लिश की लैंग्वेज यूज़ करते हैं, है ना. तो ये होती है आपकी हाई लेवल. सेकेंड जनरेशन में असेंबली यूज़ होती थी, थर्ड जनरेशन से आपकी हाई लेवल लैंग्वेज शुरू होने लग गई. अब असेंबलर क्या करता है आपका, जो प्रोग्राम आपका असेंबली लैंग्वेज में लिखा होता है, ठीक है, उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, मशीन लेवल में. फिर आता है आपका इंटरप्रेटर. इंटरप्रेटर क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है. ठीक है, इंटरप्रेटर क्या करेगा, हाई लेवल को मशीन लेवल में कन्वर्ट करेगा, लेकिन कैसे, एक एक लाइन करके वो एग्जीक्यूट कराएगा. फॉर एग्जांपल हमने कोड लिखा 5 लाइन्स का, ठीक है, तो पहले वो पहली लाइन को एग्जीक्यूट कराएगा, फिर सेकेंड लाइन को, फिर थर्ड को, फिर फोर्थ को, और फिर फिफ्थ को. इंटरप्रेटर का काम हो गया ये. तीसरा आता है आपका कंपाइलर. कंपाइलर क्या करता है, ये हाई लेवल को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ठीक है, बट लाइन बाय लाइन नहीं करता, एक साथ करता है. मतलब हमने कोई कोडिंग करी, कोई मान लो बहुत कई पेजेस का कोड लिख दिया, तो वो एक साथ उस कोड को मशीन लेवल वाले कोड में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, ट्रांसलेट कर देगा. ये है कंपाइलर का काम. इंटरप्रेटर और कंपाइलर के बीच में डिफरेंस समझ में आया, क्या करता है, हाई लेवल टू मशीन लेवल दोनों ही क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, लेकिन इंटरप्रेटर स्टेप बाय स्टेप करता है, 1 2 3 4 लाइन बाय लाइन, और कंपाइलर एक साथ सारे कोड को कंपाइल करके ट्रांसलेट कर देता है. अब फिर से हम देख लेते हैं यहाँ फंक्शनिंग क्या होती है इंटरप्रेटर की. ये HL लिख रही हूँ, हाई लेवल. हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में, या फिर मैं कह दूँ असेंबली लैंग्वेज में, ठीक है, या फिर बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है. ये होता है इंटरप्रेटर का काम. असेंबलर का काम होता है आपका कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शंस को बाइनरी 0 और 1 में कन्वर्ट करना. और कंपाइलर का क्या काम होता है, हाई लेवल लैंग्वेज को
लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। आई होप समझ में आया होगा आपको कि क्या वर्क होता है आपका। अब चलते हैं आगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर को पढ़ लेते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर में भी हम पढ़ेंगे सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। जैसे कि मैंने आपको बताया ही था कि जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है वो अलग से इसमें डिफाइन कर रखा था, मतलब कैटेगरी बना रखी थी थर्ड मेन कैटेगरी, लेकिन ये सब कैटेगरी में आएगा आपका, ठीक है। वो सॉफ्टवेयर जो यूज़र को फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं सिस्टम को यूज़ करने के लिए। यूटिलिटी क्या होती है? फैसिलिटी। फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं मतलब जो उसका काम को आसान बना देते हैं, वही होता है सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। बेसिकली ये क्या काम आते हैं? ये मेंटेनेंस और कॉन्फ़िगरेशन कंप्यूटर सिस्टम की बनाते हैं, ठीक है, मेंटेन करते हैं और कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं कंप्यूटर के सिस्टम की। इसलिए इसको सिस्टम यूटिलिटी भी कहा जाता है। जैसे कि एग्जांपल हम लेते हैं कि हमारे हमें सिस्टम को प्रोटेक्ट करना है, तो हम उसमें क्या ऐसी चीज़ डालेंगे जो सिस्टम प्रोटेक्ट हो जाए? तो हम उसमें डालेंगे एंटीवायरस। एंटीवायरस क्या करेगा? हमारे सिस्टम को प्रोटेक्ट करेगा। तो एक एंटीवायरस जब हमने डाल दिया, तो ये एंटीवायरस क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है। व्हाट इज़ दिस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर? अब हमारी फ़ाइल अगर लार्ज है और हमें उस फाइल को कंप्रेस करना है, तो हम डालेंगे फाइल कंप्रेसर, ठीक है। तो दूसरा आपका क्या हो गया एग्जांपल यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का? दूसरा एग्जांपल हो गया आपका फाइल कंप्रेसर। थर्ड है आपका क्या चीज़? मान लो आपकी बहुत सारी फाइल्स जो हैं इधर उधर इकट्ठी हुई हुई हैं, कुछ कैश में आपकी बहुत सारी फाइल्स हैं, तो हमें क्या चीज़ चाहिए होगी? मतलब फ्रेगमेंटेशन हो रखी है, तो हमें क्या चीज़ चाहिए होगी जो डीफ्रेगमेंटेशन हो जाए उन फाइल्स की, मतलब जो बिखरी हुई हैं इधर उधर वो एक साथ ढंग से फ्रेगमेंटेड वे में लग जाएं। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं आपका, क्या यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं उसके लिए डिस्क डीफ्रेगमेंटेटर टूल, डिस्क फ्रेगमेंटर। थोड़ा सा जो राइटिंग है उसके लिए वो करना, आज ये जो पेन है वो ढंग से नहीं चल रहा। तो ये होता है आपका डिस्क डीफ्रेगमेंटर टूल। अब आगे जब हम पढ़ेंगे ना, तो मैं आपको एंटीवायरस के लिए अलग वीडियो बनाऊंगी, फाइल कंप्रेसर्स हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से होते हैं, और डिस्क डीफ्रेगमेंटर टूल कौन कौन से होते हैं वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। ऑल राइट, चलिए आगे चलते हैं। सो थर्ड फोर्थ इज़ डिवाइस ड्राइवर। आपको पता है जब भी कोई हार्डवेयर हम इंस्टॉल करते हैं, तो उससे पहले हमें ड्राइवर्स को इंस्टॉल करना पड़ता है, और हर एक डिवाइस के साथ अपने ड्राइवर्स आते हैं जो उसकी फंक्शनिंग, प्रॉपर फंक्शनिंग को इंश्योर करते हैं। तो ये होते हैं आपके डिवाइस ड्राइवर, ये भी सॉफ्टवेयर की फॉर्म में होते हैं ना, हार्डवेयर तो नहीं होते ना। जब हम ड्राइवर्स को इंस्टॉल करते हैं तो क्या सॉफ्टवेयर की फॉर्म में ही होते हैं? तो इन्हीं को बोलते हैं हम डिवाइस ड्राइवर। और ये किसका पार्ट है? ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है। ये आपको अच्छे से याद करना है, MCQ में जब क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें पूछा जाएगा कि डिवाइस ड्राइवर जो है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का पार्ट है या सिस्टम सॉफ्टवेयर का। तो यहाँ आपको पता होना चाहिए कि ये है सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट, ठीक है। तो ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? रिस्पॉन्सिबल होते हैं ओवरऑल कंट्रोल मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ पर्टिकुलर डिवाइस एट हार्डवेयर लेवल। मतलब हार्डवेयर लेवल पे मान लो हमें कहीं, जैसे आपके कीबोर्ड है और हमें उसकी वॉइस कुछ पर्टिकुलर वो उतने पे मेंटेन करनी है, ठीक है, सॉरी, हमें अपनी ऑडियो जो है वो पर्टिकुलर उस पे मेंटेन करनी है, तो हम ड्राइवर्स में जाएंगे और ऑडियो वगैरह चेंज कर देंगे। वैसे ही हमें CPU की फंक्शनिंग में कुछ चेंज करना है या फिर हमें माउस की फंक्शनिंग में कुछ चेंज करना है, तो हम ड्राइवर्स में जाके वो चेंज कर पाएंगे, ठीक है। तो हार्डवेयर लेवल पे ये डिवाइस ड्राइवर्स क्या करते हैं? कंट्रोल और मैनेज करते हैं ऑपरेशंस को। तीसरा है आपका, ये एक इंटरफेस की तरह एक्ट करते हैं बिटवीन डिवाइस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑलराइट, चलिए अब सॉफ्टवेयर का दूसरा पार्ट है, और वो है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? देखिए, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर हमारे जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं। अब जैसे कि आपका MS Excel हो गया, क्रोम हो गया, मोजिला हो गया, क्लिक
क्लॉक हो गया है ना, वीएलसी मीडिया प्लेयर हो गया, जो सॉफ्टवेयर इसीलिए डिज़ाइन करे जाते हैं ताकि वो एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म कर पाएँ और एंड यूज़र की डिमांड को फुलफ़िल कर पाएँ, तो इसीलिए वो डिज़ाइन किए गए होते हैं, तो उन्हीं को कहते हैं हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। विंडोज़ तो पीछे का पार्ट हो गया, ठीक है, बैकग्राउंड हो गई, उसके ऊपर जो हम जो सॉफ्टवेयर्स लगाते हैं ना उनको एप्लीकेशन बोल देते हैं, जैसे कि एमएस ऑफिस, पावर पॉइंट, विंडोज़, मल्टीमीडिया प्लेयर, एक्सेल, वर्ड, क्रोम, मोज़िला, वीएलसी मीडिया प्लेयर, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सारे आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं आपके, ये भी दो टाइप्स के होते हैं, पहला होता है आपका जर्नल पर्पज़ सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है आपका कौन सा, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो जो जर्नल पर्पज़ सॉफ्टवेयर होते हैं ये कुछ जर्नल एप्लीकेशन के लिए ही डेवलप किए जाते हैं, ठीक है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो जेनरिक एप्लीकेशन के लिए यूज़ होते हैं। तो हमें पता है कि जो जर्नल पर्पज़ सॉफ्टवेयर होते हैं ना, ये जर्नली बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ पीपल, लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल के थ्रू यूज़ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एमएस ऑफिस हो गया, ये जो है हम इसमें फाइल बनाते हैं और जनरली ये सारे ही लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, एमएस ऑफिस जो वर्ड है ये सारे लोग यूज़ करते हैं, तो जनरल पर्पज़ के लिए यूज़ होता है ये। ऐसे ही हम पावर पॉइंट पीपीटी बनाने के लिए हम पावर पॉइंट यूज़ करते हैं, ये भी ठीक है, और रिकॉर्ड्स वगैरह मेंटेन करने के लिए हम एक्सेल का यूज़ करते हैं। तो ये सारे जो जर्नल पर्पज़ सॉफ्टवेयर हैं, ये बेसिकली स्कूल ऑफिसेज में सब लोग इन्हीं का यूज़ करते हैं अभी तक, तो इनको हम रेडीमेड सॉफ्टवेयर भी बोल देते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, रेडीमेड सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि जर्नल पर्पज़ सॉफ्टवेयर के एग्ज़ाम्पल्स क्या क्या हैं, तो जैसे कि आपके जीमेल हो गया, ठीक है, एमएस ऑफिस हो गया, फिर आपका पीडीएफ व्यूअर हो गया, ये आप समझ जाना कि क्या क्या हैं, अगर मैं दो चार एग्ज़ाम्पल्स लिखवाऊँगी तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर आपका जैसे गूगल ड्राइव हो गया, ऑलराइट, गूगल ड्राइव है आपका, पेंट, नेटफ्लिक्स, देन एडोब फोटोशॉप, GIMP, मोज़िला वेब ब्राउज़र, स्प्रेडशीट टूल, जैसे लिब्रे ऑफिस हो गया आपका, ठीक है, तो ये सारे आपके कौन से होते हैं, जर्नल पर्पज़ सॉफ्टवेयर। फिर आते हैं आपके कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, इन सॉफ्टवेयर्स को हम टेलर मेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। ये क्यों डेवलप किए जाते हैं, ये डेवलप किए जाते हैं सर्टेन कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती है या कुछ स्पेसिफिक इंडिविजुअल की डिमांड को मीट करने के लिए, ठीक है, जैसे कोई पर्टिकुलर वेबसाइट हमने बना दी, तो वो पर्टिकुलर वेबसाइट जो है वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल की डिमांड को मीट कर रही है ना, तो वो वेबसाइट है आपकी कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वही जो क्रोम है आपका, जिसमें आपने वेबसाइट को खोला है, वो है आपका जर्नल पर्पज़ सॉफ्टवेयर। फिर आपका जैसे स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जो सॉफ्टवेयर हम बनाते हैं, मान लो एक स्कूल है एक्स वाई जेड, तो वो अपना सॉफ्टवेयर बनवाता है मैनेजमेंट करने के लिए अपने स्कूल को, स्कूल की, ठीक है, तो वो हो गया आपका कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऐसी ऑफिसेज जो हैं वो अपने अलग अलग सॉफ्टवेयर्स बनवाते हैं ताकि वो मैनेजमेंट कर सकें, तो वो भी कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में होते हैं। तो कस्टमाइज का क्या है आपका, जैसे कि आपके मोबाइल ऐप्स हो गई, ठीक है, ये कस्टमाइज्ड में आते हैं आपके, सॉफ्टवेयर कंसल्टिंग, इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, जैसे कोई प्रोडक्ट को डेवलप करना है तो वो कस्टमाइज में आ गया आपका, डेटाबेस डेवलप करना है, बीआई ऐप्स डेवलपमेंट, सास डेवलपमेंट, सास डेवलपमेंट क्या है, सिस्टम एज अ सर्विस डेवलपमेंट, सीआरएम डेवलपमेंट, तो इतना नहीं डिटेल में पूछेंगे, बट फिर भी याद होना, मतलब पता होना चाहिए कि कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते क्या हैं। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब हम आते हैं सॉफ्टवेयर्स पे, थर्ड टाइप पे, वो है आपका प्रोप्राइटरी और फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। प्रोप्राइटरी और फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, FOSS, ठीक है, उसकी फुल फॉर्म है ये। तो
तो ये कौन से होते हैं आपके? ये फ्री और एक्सेसिबल सॉफ्टवेयर्स होते हैं, फ्रीली यूज्ड, चेंज्ड, इम्प्रूव्ड, कॉपीड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। ऐसे सॉफ्टवेयर जिनको हम फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हम उनको चेंज कर सकते हैं, चेंज करने के बाद हम उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, हम उसकी कॉपीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये होते हैं आपके प्रोप्रिटरी और फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो चलिए अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर में जो प्रोप्रिटरी और फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है उसमें भी सब कैटेगरीज जो हमने पढ़नी है वो है चार। पहला है आपका OSS और फ्लॉस सॉफ्टवेयर। फ्लॉस की फुल फॉर्म क्या है? फ्री लिब्रे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। फ्री लिब्रे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और OSS की है ओपन सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब OSS या फिर फ्लॉस सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ये वो होते हैं, इसमें जो होता है डेवलपर जो होते हैं सॉफ्टवेयर के, वो क्या करते हैं, वो अलाउ करते हैं अपने जो बनाए हुए सॉफ्टवेयर को कि कोई भी उन सॉफ्टवेयर्स को यूज़ कर सकता है, और वो क्या करते हैं उसके साथ उसका सोर्स कोड भी प्रोवाइड करते हैं। क्या होता है सोर्स कोड? कि भाई जिस कोड से उन्होंने उस सॉफ्टवेयर को बनाया है वो कोड भी वो शेयर कर देते हैं, ताकि कोई भी उसको क्या कर सके, उस कोड में चेंजेस करके उसको इम्प्रूव कर सके और एक दूसरे की हेल्प हो सके, ठीक है। ये इस टाइप के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे कि उबुंटू है, पाइथन है, लिब्रे है, ऑफिस, लिब्रे ऑफिस, ठीक है, ओपन ऑफिस, मोजिला फायरफॉक्स। तो इन सब में क्या है, आप ये एक क्या है फ्लॉस सॉफ्टवेयर, OSS है ये, तो इसमें क्या है आप लोग चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये इनका जो है ये सोर्स कोड जो है अपना प्रोवाइड करके रखते हैं कि ये साइट कैसे, ये जो सॉफ्टवेयर है वो कैसे बनाए। तो यहाँ मैंने फ़ोटो लगा रखी है, इसमें एग्जांपल्स हैं फ्लॉस के, जैसे लाइनक्स, केडेनलाइव, ठीक है, ऑडेसिटी, ये सारे ही एग्जांपल हैं आपके फ्री लिब्रे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के। फिर आता है आपका फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर। अब ये जो फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है ये आपको यहाँ से दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। ये देखिए इसमें क्या था कि सोर्स कोड प्रोवाइड कर रहा था, ठीक है, जो फ्रीली यूज़ हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि भाई ये पैसे दे के या फिर फ्रीली अवेलेबल है या नहीं, ये हमें नहीं पता, हो सकता पैसे दे के भी लें, ठीक है। बट क्या होता है, फ्रीली हम यूज़ कर पा रहे थे इसको और डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे थे, पब्लिक में चेंज कर पा रहे थे। फिर आता है आपका फ्री वेयर सॉफ्टवेयर, ये फ्री ऑफ कॉस्ट तो अवेलेबल होता है आपको। दूसरा, आपको कॉपिंग अलाउड होती है। मान लो मैंने इसको आपके अपनी पेन ड्राइव में डाल के आपको दे दिया, आपने किसी और को दे दिया, तो फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है ना वो हम कर सकते हैं इन सॉफ्टवेयर, लेकिन हम इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये है कि वो अपना ना सोर्स कोड जो है, जिस कोड से उन्होंने सॉफ्टवेयर को बनाया है, वो कोड शेयर नहीं करते, तो जिसकी वजह से हम सिर्फ उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और फ्रीली अवेलेबल है इंटरनेट पे, पर चेंजेस नहीं हो सकते। एग्जांपल क्या है इसके, क्रोम हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, स्काइप है, एडोब रीडर है, ऑलराइट। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। आई होप आपको समझ में आया होगा सारा। टेक केयर।